शेप्स एंड मैप्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शेप्स अर्थात आकार। मैप्स, मैप तो आपको पता ही है। तो हम शेप की सहायता से मैप बनाएंगे। शेप अलग अलग होते हैं, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो उनकी सहायता से हम मैप बनाएंगे। आइए सबसे पहले कुछ अलग अलग शेप्स की जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उसकी सहायता से किस तरह से मैप बनाया जा सकता है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट, हियर ऑन द टॉप एज यू कैन सी अलग अलग शेप्स दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, एरो, पॉइंट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्टार, लाइन, और इन सब की सहायता से हम मैप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है मैप ऑफ द गार्डन। साइड में देखिए बच्चों, लेफ्ट साइड में देखिए इंडेक्स बॉक्स है, उसमें अलग अलग शेप्स दिए हैं और वो शेप किस चीज़ को, वो चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है उसका भी नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, एंट्रेंस, एंट्रेंस के लिए देखिए एरो अप से डाउन की तरफ। तो जहाँ पर भी हमें चित्र में मैप ऑफ द गार्डन में देखिए एंट्रेंस दिखाई दे रहा है। एंट्रेंस मतलब बच्चों जहाँ से आप गार्डन में एंट्री लेते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक का हमारा सर्कल रेड कलर का बनाया हुआ है, विच इज़ अ फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब आपको मालूम है, जिसमें से फवारा निकलता है। फिर ग्रीन ग्रीन सर्कल दिया हुआ है, दैट स्टैंड फॉर बुशेस, छोटी छोटी झाड़ियों के लिए, जो आपने देखा होगा गार्डन में झाड़ियों को एक ही शेप में काट करके रखा जाता है ताकि वो ब्यूटीफुल दिख सकें और गार्डन का अट्रैक्शन होती हैं। उसी तरह नीचे देखिए बच्चों, ट्राइंगल फॉर ट्रीज, वी टाइप सिंबल, वी के जैसे दिखने वाले जो सिंबल हैं वो लॉन के लिए हैं। और नीचे देखिए उसी तरह स्लाइड्स, जो आपने गार्डन में देखा होगा वो आपको रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, स्विंग आपको यू शेप में दिख रहा है, एंड सेम कैंटीन, कैंटीन के लिए यहाँ स्क्वायर शेप यूज़ किया गया है, जो कि आप देख रहे हो मैप ऑफ द गार्डन में। देखिए तो सबसे नीचे आपको कैंटीन दिख रहा है पर्पल शेप में स्क्वायर। फिर है गार्बेज बिन मतलब डस्टबिन, फिर पर्पल कलर में ही आपका कैंटीन के साइड में ही स्मॉल स्क्वायर, दैट स्मॉल स्क्वायर स्टैंड फॉर द वॉशरूम, टॉयलेट्स। और उसके नीचे है स्टार, दैट इज़ फॉर रॉकेट, रॉकेट इज़ अ शेप फॉर द अट्रैक्शन। आपने अलग अलग गार्डन में देखा होगा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जो अट्रैक्शन पॉइंट होता है, कुछ ऐसे स्टैचूज, मूर्तियाँ बनाई रहती हैं। सेम वे यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है, रॉकेट रखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ बैनियन ट्री एंड प्लेटफॉर्म। बैनियन मतलब कौन सा पेड़ हो गया बच्चों, बरगद का पेड़, और उसी के साथ में उसी के चारों तरफ बनाया हुआ है उस पर बैठने के लिए लोगों को, तो उसे हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म। सर्कल टाइप में बनाया हुआ है बैनियन ट्री के चारों तरफ। फिर है स्टॉल्स, जो कि जस्ट गार्डन के बाहर है, जैसे पानी पूरी स्टॉल, भेल पूरी स्टॉल, जो जस्ट गार्डन के बाहर वाले पोर्शन में हमें दिखाई देता है मोस्टली जब हम गार्डन से बाहर निकलते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों, मैं आपको कुछ और शेप्स भेज रही हूँ, उसे आप अपनी कॉपी में लिखिए और फिर मैप ऑफ द गार्डन आपको कॉपी में बनाना है। लेट्स सी मोर शेप्स एंड मैप। इसी तरह के कुछ और शेप्स हम देखेंगे और उनकी सहायता से मैप की रीडिंग करेंगे। एज यू कैन सी दिस इज सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार, यू साइन, a V sign, an oval, half circle,
Copy these shapes and their names in your notebooks. Learn them at home. Next class, we will look at the map of a garden. We will see how these shapes are used as symbols to show what is where in a garden. And maps. Shapes as symbols. Today, let us look at the map on page 52 of your book. This is a map of a garden. Look at each symbol. Say what shape it is and what it stands for. The arrow shows the entrance to the garden. The big blue circle stands for the fountain. The small green circle for the bushes. The triangle stands for the trees. The V sign stands for the lawn. But teacher, what is lawn? A lawn is a piece of land where grass is grown and cut regularly to look nice. The yellow rectangle stands for slides. The U sign stands for swings. The pink square stands for the canteen. Teacher, what's canteen? Canteen is a place where you get some food to eat. The black dot for the garbage bin. The purple square stands for the toilets. The blue star stands for the rocket. The small circle inside the bigger circle stands for the banyan tree and the platform around it. The pink half circle for the stalls. What are stalls, teacher? A stall is a place where things are sold, like a shop. In a map, how do you know what the symbols stand for? The index tells you what the symbols stand for. Today, you saw how shapes are used as symbols. Next class, we will see how to make a map using symbols and how to make an index for it.